हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम ओडिया टेक ब्लॉग चैनल को स्वागत। जदि आपण एएनएम जीएनएम बीएससी एमएससी नर्सिंग पढ़ी कि जॉब करते आपरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निश्चित थी जदि ना तो न्यू फ्रेश अप्लाई करने को पड़े जदि अच्छी तेल पांच वर्ष को थे रिन्यूअल करने को पड़े से आपको आगु बीबीएसआर जाए ऑफलाइन रे अप्लाई करने को पड़ता किंतु वर्तमान आपण घरे बसी निज मोबाइल किंबा कंप्यूटर माध्यम रे बहुत सहजरे ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबे। चलंतु सिखिबा डिटेल प्रोसीजर। ऑनलाइन रे अप्लाई करिया पूर्वरु प्रथमे सबु डॉक्यूमेंट को स्कैन करि गोटे फोल्डर रे रखि दियंतु जेमेति कि आपणकर फोटो फुल सिग्नेचर जदि न्यू अप्लाई करिया पय चाहौचंती ताले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नर्सिंग पास आउट बोर्ड सर्टिफिकेट जदि रिन्यूअल करिया पय चाहौचंती ताले एक्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रो फ्रंट पेज एवं बैक पेज आपण एपरी गोटे फोल्डर रे रखिथिले अप्लाई करिवा टाइम रे सुविधा हेबो। चलंतु सिखिबा वर्तमान ऑनलाइन रे किपरि अप्लाई करिवा सेति पय आपणकर कंप्यूटर जे कोनोसी गोटे ब्राउजर को ओपन करंतु। एठी आपण onmrc.in लेखि कि एंटर करंतु। वर्तमान आपणक सामने रे वेबसाइट रो होम पेज टी ओपन हेइ सारचि। आपण मोबाइल माध्यम रे मध्ये अप्लाई करि परिबे सेति पय आपणकर मोबाइल रो जे कोनोसी गोटे ब्राउजर ओपन करंतु। एठी onmrc लेखि कि सर्च करंतु। राइट साइड रे ऊपर थिबा तीनटा डॉट बटन ऊपर क्लिक करंतु। एबे वर्तमान डेस्कटॉप साइट कर दियंतु। एबे वर्तमान सेम प्रोसीजर रे मोबाइल रे मध्ये अप्लाई करि परिबे। एठी आपण जदि न्यू फ्रेश किंबा रिन्यूअल करिया पय चाहौचंती ताले तळे थिबा अप्लाई रजिस्ट्रेशन बटन ऊपर क्लिक करंतु। आपण माने एटी देखि परथिबे आपणक सामने रे एप्लीकेशन फॉर्म टी ओपन हेइ सारछि। एप्लीकेशन फॉर्म टी फिल अप करिया पूर्वर एठी आपण देखि परथिबे SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर SP कलेक्ट रेफरेंस नंबर अमाउंट आउ पेमेंट मागुची तो सेति पय वर्तमान आमे पेमेंट फास्ट कर दबा तापर एप्लीकेशन फॉर्म टा को फिल अप करिबा। सेति पय आपण पेमेंट रो फी स्ट्रक्चर को टिके नजर पकांदु। एठी आपण देखि परथिबे न्यू रजिस्ट्रेशन ANM पय 300 रुपीस GNM पय 500 रुपीस BSc पय 700 रुपीस। जदि आप रिन्यूअल करिया पय चाहौचंती पांच वर्ष पर ताले आपनकु 200 टका लागिवो ANM पय 200 टका लागिवो GNM पय आउ PG BSc सबु किछ लेखा अछि एठी। आउ एठी लेट फी मध्य देखंतु जदि आपनकर रिन्यूअल सरिवार 30 दिन भितर आपन डिपोजिट करचंती ताले कोनोसी लेट फी लागिवनी। जदि 30 दिन पर आपन जदि अप्लाई करचंती ताले मासुकु 100 टका हिसाब रे आपनकर लेट फी चार्ज पडिवो। एठी आपणकर फी कैलकुलेशन करनियंतु। आज मु ANM रो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करिवा प्रोसेस सिखेबी तो सेथिपई आमको टाइम थिबा पूर्वरु जदि आमे पेमेंट करूचे ताहेले केते टंका लागिवो आमे कैलकुलेशन करनबा। एठी रिन्यूअल फी केवल आमे 200 टंका ही दबा तो सेथिपई एप्लीकेशन फॉर्म टी फिल अप करिवा पूर्वरु आमे पेमेंट टी कर दबा तो सेथिपई गोटे ब्राउजर नुवा टैब गोटे ओपन करंतु। एठी आपण SBI कलेक्ट लेखिकी सर्च करंतु। प्रथमे जो वेबसाइट टी आसुचे SBI बैंक कलेक्ट ता उपरे क्लिक कर नियंतु। वर्तमान आपणक सामना रे SBI बैंक रो कलेक्ट पेज टी ओपन हे सारछि। एठी आपण टर्म एंड कंडीशन को टिक करके प्रोसीड कर नियंतु। एठी वर्तमान प्रथमे स्टेट चूज कर दियंतु। एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रे ओडिशा सिलेक्ट कर नियंतु। एठी आपण टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन रे आपण गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चूज कर नियंतु। गो उपरे क्लिक करंतु। एठी आपण गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेम जगह ओडिशा नर्सिंग काउंसिल को चूज करके सबमिट कर दियंतु। एठी आपण सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी रे ANM रजिस्ट्रेशन को चूज करंतु। एठी आपणकर नेम मोबाइल नंबर टाइप ऑफ फी को सिलेक्ट करके टाइप कर दियंतु। एठी आपण टाइप ऑफ फी रे आपण लेखंतु न्यू रजिस्ट्रेशन करिया को थिले न्यू रजिस्ट्रेशन। जदि रिन्यूअल करिया पय थिबो ताले रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करंतु। तो आम रिन्यूअल करवा तो रिन्यूअल उपर क्लिक करूचे। एठी आपण अमाउंट को चूज कर नियंतु। आमर 200 टका कैलकुलेशन हेतिला आमे 200 टका चूज करले। एठी आपण रिमार्क्स रे किछि लेखि दियंतु। एठी जे पेमेंट करिवे तार डिटेल्स को एठी फिल अप कर नियंतु। सबमिट उपर क्लिक करंतु। वर्तमान आपण एठी कन्फर्म उपर क्लिक करंतु। वर्तमान आपण एठी देखि परथिबे नेट बैंकिंग किंबा कार्ड पेमेंट थोरा आपण पेमेंट करि परिबे किंतु वर्तमान कार्ड पेमेंट रो ऑप्शन टी नॉट एनेबल्ड अछि तो आपण को नेट बैंकिंग जरिया रे पेमेंट करिया को पड़िबो। सेति पय एठी क्लिक हियर उपर क्लिक करंतु। एठी आपण लेफ्ट साइड देखि परथिबे पेमेंट अमाउंट एठी 217 टका लेखा अछि। आपणकर फीस होछि 200 टका तार सहित बैंक चार्ज आपणकर 17 टका मिसिकि 217 टका आउछि। एठी आपणकर बैंक को सिलेक्ट करनेबे तापर मेक पेमेंट उपर क्लिक करके पेमेंट करनियंतु।
पेमेंट कलापर आपर एस बी आई रपरी एक इ रिसीप्ट कोड जेनेट हे बर्तमान आपड़ एगेन आपर आप्लिकेसन फर्म को आसतु एठार आपणकर पेमेंट डिटेल सहित आपड़ अदर डिटेल फिलअप करनी आप टाइप अफ रजिस्ट्रेशन सागर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन को क्लिक करूँ एठी आपण एन एम पास आउट होती एन एम पास आउट को क्लिक करूँ जदि आप एम एस सी करते स्पेशलिटी को टाइप करूँ जदि ना तो स्किप कर दिंतु वर्तमान पासिंग को ईयर रे आपन पास कर आपन से ईयर को ये सिलेक्ट करनी ये आप इंस्टीट्यूशन रु पास कर इंस्टीट्यूशन को ये चूज कर दिंतु जदि आपणकर इंस्टीट्यूशन ना आपणकर लिस्ट ना तो आप मेनुअली टाइप करें एठि आपणकर एस बी आई कलेक्ट रेफरेन्स नंबर को टाइप करूँ आपणकर इ रिसीप्ट्रे रेफरेन्स नंबर को ये टाइप करूँ एठि आप बैंक रेफरेन्स नंबर को टाइप करूँ आपणकर दुईटी रेफरेन्स नंबर आपणकर इ रिसीप्ट्रे लिखा थी एठि आपणकर अमाउंट टाइप करूँ किंतु मन रखु जो बैंक चार्ज आपन को लगी से अमाउंट ये टाइप करने आवश्यक नहीं आम 217 टका पेमेंट करते कि आप 200 टका ही लिखु ये आप डेट्रे पेमेंट कले से डेट को ये मेनसन करूँ ये आपर टेन्थ सर्टिफिकेट अनुसार आपर फुल नेम को ये टाइप करूँ ये आपर टेन्थ सर्टिफिकेट अनुसार आपर बापा ना ये टाइप करूँ ये आपर माँ का नेम टाइप करूँ ये आपर डेट ऑफ बर्थ को चूज कर नियंतु ये आपर जेंडर सिलेक्ट कर नियंतु ये आपर आड्रेस टा डिटेल्स लिखु आट पोस्ट पुलिस स्टेशन भाया डिस्ट्रिक्ट पिन सबकि टाइप करनी आपणकर वैलिड मोबाइल नंबर को टाइप करूँ ये आपणकर वैलिड ईमेल आईडी टाइप करूँ ये आपणकर मंथ आउ ईयर को ये आपड़ टाइप करूँ आप जो ईयर रे पास आउट करते मंथ आउ से ईयर को ये आपड़ टाइप करूँ ये आप देखिपे आपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रे मेंशन थी मंथ आउ ईयर आप मंथ आउ ईयर को सेठी टाइप करूँ ये आपणकर डेट ऑफ एडमिशन आउ डेट ऑफ कंप्लीशन डेट ये सिलेक्ट करनी आप सेम जिनस को आपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रे मध्ये पाई परिबे ये देखिपे 20/11/2013 रु 19/11/2015 आपण सेटा इटे आप्लिकेसन सिलेक्ट करनी जदि आप फ्रेश आउ न्यू अप्लाई करने जाए आप रोल नंबर टी एटी टाइप करूँ जदि रिन्यूअल ताहले कलमटा को छाड़ दिंतु नेक्स्ट आपणकर देखु ये आपणकर एक्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन डेट आपठी सिलेक्ट करनी आपणकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रु पाइपर ये आप ते देखिपे 16/12/2016 लेखा अच्छी एटा होची आमर रजिस्ट्रेशन डेट आपण से डेट टा को आप्लिकेसन फर्म रे फिलअप करनी बर्तमान एक्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी टिल आपण जो डेट रे आपण रजिस्ट्रेशन होई तु 5 वर्ष को काउंट करके ये फिलअप कर दिंतु मोर 16/12/2016 रहितला ताको 5 वर्ष जदि आम काउंट करवा तो 16/12/2021 हे आम 16/12/2021 को सिलेक्ट करनवा बर्तमान आपण एठी नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड एटा मध्य आपण आपणकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रु पाई परिबे देखंतु एठी लेखा अछि ओडिशा नर्सेस एंड मिडवाइफ्स एग्जामिनेशन बोर्ड आपण सेम दिनसटा को एठी एप्लीकेशन फॉर्म रे टाइप करनियंतु वर्तमान आपणकर एठी सब डॉक्यूमेंट सब अपलोड करनियंतु प्रथमे आमे हमर सिग्नेचर को अपलोड करिबा तापर आमे आमर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करिबा
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନ୍ୟୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଏନ୍ଏମ୍ କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ସେମ୍ ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରିନୁଆଲ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିମାର୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ହୋଇସାରିଛି, ଏଠି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଥିବ। ଆପଣ ଯଦି 1-2 ଡେଜ୍ ପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହିଁ ଦେଖାଉଥିବ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ଆଉ ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖାଉଥିବ। ଆପଣ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି। ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏରର୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ମ୍ୟାନୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଫର୍ମାଟ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଟାଇପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କରିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଆପଣ ONMRCର ଅଫିସିଆଲି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ମେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ହେଉଛି ONMRC@gmail.com। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମେଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 1-2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।